ॐ नमः शिवाय। श्री रुद्र संहिता के प्रथम खंड का छठा अध्याय, ब्रह्मा जी द्वारा शिव तत्व का वर्णन। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद मुनि, तुम सदैव जगत के उपकार में लगे रहते हो। तुमने जगत के कल लोगों के हित के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी है, जिसके सुनने से मनुष्यों के सब जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। उस परम ब्रह्म शिव तत्व का वर्णन मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। शिव तत्व का स्वरूप बहुत ही सुंदर और अद्भुत है। जिस समय महाप्रलय आई थी और पूरा संसार नष्ट हो गया था तथा चारों ओर सिर्फ अंधकार ही अंधकार था, आकाश व ब्रह्मांड तारों व ग्रहों से रहित होकर अंधकार में डूब गए थे। सूर्य और चंद्रमा दिखाई देने बंद हो गए थे। सभी ग्रहों और नक्षत्रों का कहीं पता ही नहीं चल रहा था। दिन रात अग्नि जल कुछ भी नहीं था। प्रधान आकाश और अन्य तेज भी शून्य हो गए थे। शब्द स्पर्श गंध रूप रस का अभाव हो गया था। सत्य असत्य सब कुछ खत्म हो गया था। तब सिर्फ सत ही बचा था। उस तत्व को मुनि जन व योगी अपने हृदय के भीतर ही देखते हैं। वाणी नाम रूप रंग आदि की वहां तक पहुंच नहीं है। उस पर ब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से किए गए संबोधन के द्वारा कुछ समय बाद अर्थात सृष्टि का समय आने पर एक से अनेक होने के संकल्प का उदय हुआ। तब उन्होंने अपनी लीला से मूर्ति की रचना की। वह मूर्ति संपूर्ण ऐश्वर्य तथा गुणों से युक्त संपन्न सर्व ज्ञानमयी एवं सब कुछ प्रदान करने वाली है। यही सदा शिव की मूर्ति है। सभी पंडित विद्वान इसी प्राचीन मूर्ति को ईश्वर कहते हैं। उसने अपने शरीर से स्वच्छ शरीर वाली एवं स्वरूप भूता शक्ति की रचना की। वही परम शक्ति प्रकृति गुणमयी और बुद्धित्व की जननी कहलाई। उस शक्ति अंबिका प्रकृति संपूर्ण लोकों की जननी त्रिदेवियों की माता नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। उसकी आठ भुजाओं एवं मुख की शोभा विचित्र है। उसके मुख के सामने चंद्रमा की क्रांति ही क्षीण हो जाती है। विभिन्न प्रकार के आभूषण एवं गतियां देवी की शोभा बढ़ाती हैं। वे अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं। सदा शिव को ही सब मनुष्य परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर कहकर पुकारते हैं। उनके मस्तक पर गंगा भाल में चंद्रमा और मुख में त्रिनेत्र शोभा पाते हैं। उनके पांच मुख हैं तथा 10 भुजाओं के स्वामी एवं त्रिशूलधारी हैं। वे अपने शरीर में भस्म लगाए हैं। उन्होंने शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया है। यह परम पावन स्थान काशी नाम से जाना जाता है। यह परम मोक्षदायक स्थान है। इस क्षेत्र में परमानंद रूप शिव पार्वती सहित निवास करते हैं। शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी उस स्थान को नहीं छोड़ा, इसलिए शिव जी ने इसका नाम आनंदवन रखा है। एक दिन आनंदवन में घूमते समय शिव और शिवा के मन में किसी दूसरे पुरुष की रचना करने की इच्छा हुई। तब उन्होंने सोचा कि इसका भार किसी दूसरे व्यक्ति को सौंपकर हम यहीं काशी में विराजमान रहेंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया, जिससे एक सुंदर पुरुष वहां प्रकट हुआ, जो शांत और सत्व गुणों से युक्त एवं गंभीरता का अथाय सागर था। उसकी क्रांति इंद्र नील मणि के समान श्याम थी।
उसका पूरा शरीर दिव्य शोभा से चमक रहा था। वह नेत्र कमल के समान थे। उसने हाथ जोड़कर भगवान शिव और शिवा को प्रणाम किया तथा प्रार्थना की कि मेरा नाम निश्चित कीजिए। यह सुनकर भगवान शिव हंसकर बोले कि सर्वत्र व्यापक होने से तुम्हारा नाम विष्णु होगा। तुम भक्तों को सुख देने वाले ही होंगे। तुम यहीं स्थिर रहकर तप करो, वहीं सभी कार्यों का साधन है। ऐसा कहकर शिवजी ने उन्हें ज्ञान प्रदान किया और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तब विष्णु जी ने 12 वर्ष तक वहां दिव्य तप किया। तपस्या के कारण उनके शरीर से अनेक जल धाराएं निकलने लगीं। उस जल से सारा सूना आकाश व्याप्त हो गया। वह ब्रह्म रूप जल अपने स्पर्श मात्र से पापों का नाश करने वाला था। उस जल में भगवान विष्णु ने स्वयं शयन किया। नार अर्थात जल में निवास करने के कारण ही वे नारायण कहलाए। तभी से उन महात्मा से सब तत्वों की उत्पत्ति हुई। पहले प्रकृति से महान और उससे तीन गुण उत्पन्न हुए तथा उनसे अहंकार उत्पन्न हुआ। उससे शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध एवं पांच भूत प्रकट हुए। उनसे ज्ञानेंद्रियां एवं कमरेंद्रियां भी बनी। उस समय एकाकार 24 तत्व प्रकृति से प्रकट हुए एवं उनको ग्रहण करके परम पुरुष नारायण भगवान शिवजी की इच्छा से जल में सो गए। ओम नमः शिवाय। आज के इस अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त होती है। आगे की कथा अगले अध्याय में सुनेंगे। इसी तरह की और कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।